दोस्तों, मैं हूं रूपा। स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और हम बनाने वाले हैं आज गुड़ वाला नारियल के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं गुड़ वाला नारियल के लड्डू। तो ये देखिए, हमने दो गोला लिया है नारियल का, इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। इसे मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पीसिएगा, ना ज़्यादा महीन ना ज़्यादा गोटा रहेगा। इस तरह से बनाइएगा इसे। इसके बाद इसे सारा कढ़ाई में से निकाल लेंगे हम। इस तरह से बनाइएगा गुड़ वाला, तो बहुत अच्छा बनते हैं ये लड्डू, गुड़ वाला लड्डू। तो हमने काला इसका छिलका सहित पीसा है, क्योंकि गुड़ का बना रहे हैं। इसके बाद हम इसमें घी लेंगे, हाथ में लगाने के लिए लेंगे लड्डू बांधने समय में। यह है चार गुड़ है, ये 300 ग्राम गुड़ है। इसे इस तरह से इसको तोड़ लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इसके बाद हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई में सिर्फ नारियल डाले हैं और ये गुड़ डाले हैं। और इसे हम धीमी आंच में इसी तरह मिलाते रहेंगे। ये देखिए, धीमी आंच में हम पका रहे हैं इसे। इसी तरह मिलाते मिलाते पूरा गुड़ मेल्ट हो जाएगा इसमें। ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से इसे चलाते रहिएगा। और बीच बीच में इस तरह से छोलनी से इस तरह से कूच दीजिएगा, ताकि इसका गुड़ भी जो है ढेका ढेका जो रहता है वो गल जाएगा। इस तरह से मिलाते रहिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा बनते हैं गुड़ के नारियल के लड्डू। ये देखिए, 10-15 मिनट लगा हमें। तो इसी तरह सिर्फ मिलाना है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए, अगर इस तरह से हाथ में ये बन जाए तो समझिए आपका नारियल का लड्डू तैयार हो गया है। ये देखिए, हमारा तो बन चुका है ये। अब इसे हम गैस बंद कर देते हैं। और गरम गरम में नहीं बनाइएगा, नहीं तो हाथ जल जाएंगे। इसे थोड़ा ठंडा कर दिए हमने, तो ठंडा में बना रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें हाथ में तेल लगा लेंगे। और इसके बाद इसमें हम गोला बनाएंगे गुड़ का नारियल के लड्डू का। देखिए इस तरह से, देखिए आसानी से बन गया ये हमारा लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं। अगर आप चीनी के लड्डू बना रहे हैं तो उसमें नारियल का छिलका नहीं डालिएगा, तो वो सादा सादा बनेंगे। ये देखिए, हमारा बहुत ही जल्दी नारियल का लड्डू बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों, बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा ये नारियल के लड्डू। तो दोस्तों, मैं आज के टिप्स में बता रही हूँ, घरेलू टिप्स है ये। अगर ये देखिए कढ़ाई है, इसमें हम अगर घी लगा करके नारियल का लड्डू बनाएंगे तो ज़रा सा भी नारियल का लड्डू इसमें चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से सारा निकल जाएगा। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा, लड्डू बनाने के पहले ही कढ़ाई में घी लगा दीजिएगा। इसमें घी का भी फ्लेवर आ जाएगा और खाने में भी ज़्यादा स्वाद लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।